सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच शुरू होते ही बड़े बड़े एक्टर्स के नाम एनसीबी के शिकंजे में आ गए हैं। पिछले हफ्ते दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के साथ एनसीबी ने पूछताछ की थी, जहां दीपिका पादुकोण के साथ 4 से 5 घंटों तक पूछताछ चली थी और दीपिका पादुकोण के साथ हुए बातचीत में कई और एक्टर्स के नाम सामने आए हैं। उनमें से मुख्य रूप से 3 एक्टर्स को अब एनसीबी समन भेजने वाली है, जिनके नाम एस, आर और ए लेटर से शुरू होते हैं और अब तक इनके नाम रिवील नहीं हुए हैं। दीपिका के साथ हुए इंटरोगेशन के बाद क्षितिज रवि प्रसाद ने इन 3 नाम को शॉर्टलिस्ट किया है और कहा जा रहा है कि इनमें से जिनका नाम ए लेटर से शुरू होता है वो इस लिस्ट के टॉप पर आ गए हैं, जो ड्रग्स लेने के साथ साथ दूसरों को सप्लाई भी करते हैं, जो एक क्रिकेटर से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पिछले हफ्ते जिन जिन एक्ट्रेसेस के साथ एनसीबी की पूछताछ हुई है उनके फोन को एजेंसी द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर सीज कर दिया गया है, जिसके बाद अब इन सभी की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद अब कई बॉलीवुड सेलेब्स एनसीबी के निशाने पर आ गए हैं। ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी रिया चक्रवर्ती के जरिए जया साहा तक पहुंची और जया साहा से पूछताछ कर एनसीबी का पंजा दीपिका पादुकोण के मैनेजर करिश्मा प्रकाश तक जा पहुंचा। ऐसे में दीपिका पादुकोण के साथ श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम मुख्य रूप से आया है और इन चारों को एनसीबी समन भेज चुकी है, जिनके साथ अलग अलग आज और कल पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर लीक हुई है और इस चैट में ड्रग की लेन देन की बात सामने आई है और आज 25 सितंबर को दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इस मामले को लेकर दीपिका के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो सकते हैं। हम में से कई लोगों को इन धाराओं के तहत क्या सजा हो सकती है ये पता नहीं होता है, इसलिए आइए आपको बताते हैं NDPS एक्ट 1985 के तहत ड्रग्स खरीदने में सजा का क्या प्रावधान है। ड्रग्स खरीदने और इस्तेमाल करने के मामले में दोषियों के खिलाफ सेक्शन 20B, सेक्शन 22, सेक्शन 27A और सेक्शन 29 की धाराएं लग सकती है और इन धाराओं के अंतर्गत अगर कोई कम मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स बनाता, अपने पास रखता, बेचता, खरीदता या इस्तेमाल करते पाया जाता है तो उसे 1 साल से 20 साल तक की सजा या 10,000 से 2,00,000 रुपए का दंड हो सकता है। इसके अलावा आपराधिक साजिश रचने और किसी को ड्रग्स लेने के लिए उकसाने के दोष में भी सजा का प्रावधान है। वेल, दीपिका पादुकोण कल ही गोवा से मुंबई पहुंच गई हैं, जिन्हें एयरपोर्ट पर उनके पति रणवीर सिंह के साथ देखा गया था।